हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर खेमचंद गुर्जर, LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज हम BCOM पार्ट सेकंड के EFM के पेपर सेकंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टॉपिक BEP एनालिसिस में कुछ उदाहरणों के माध्यम से PV रेशियो, फिक्स कॉस्ट, एक निश्चित बिक्री पर लाभ की राशि, वेरिएबल कॉस्ट की गणना और समविच्छेद बिंदु आदि से संबंधित उदाहरण लेते हैं। सबसे पहले हम एक उदाहरण लेते हैं जिसमें नवरत्न का लाभ मात्रा अनुपात 40% है। 2004 में विक्रय 80,000 रुपये, स्थिर लागत 8,000 रुपये थी। गणना करनी है कुल परिवर्तनशील लागतें, कुल अंशदान, लाभ। यदि विक्रय को 1,20,000 रुपये तक बढ़ाने में सक्षम हो तो लाभ की राशि क्या होगी? तो यहाँ पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है 60% ऑफ सेल्स है, क्योंकि PV रेशियो यहाँ पर दिया हुआ है 40%, इसलिए वेरिएबल कॉस्ट बराबर 100-40 = 60% ऑफ सेल्स होगा। इसलिए 80,000 का 60% 48,000 रुपये वेरिएबल कॉस्ट होगी। टोटल कंट्रीब्यूशन सेल्स इनटू PV रेशियो, तो 80,000 इनटू 40% बराबर 32,000 रुपये, और टोटल प्रॉफिट बराबर सेल्स इनटू PV रेशियो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, 80,000 इंटू 40% माइनस फिक्स कॉस्ट 8,000 है, बराबर 24,000 प्रॉफिट होगा। और यदि विक्रय को 1,20,000 रुपये तक बढ़ा दिया जाए तो लाभ की राशि क्या होगी? इसके लिए प्रॉफिट बराबर सेल्स इंटू PV रेशियो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, सेल्स 1,20,000 रुपये माना जाए गुणा 40% PV रेशियो माइनस 8,000 फिक्स्ड कॉस्ट, तो यह प्रॉफिट 40,000 रुपये होगा। इसी प्रकार से एक दूसरा उदाहरण लेते हैं जिसमें दो अवधियों की विक्रय राशि और प्रॉफिट दिया हुआ है। तो इसमें प्रथम क्वार्टर एंड जून 2005 है, उसमें सेल्स है 25,000, प्रॉफिट है 5,000। क्वार्टर एंड जून 2005 में विक्रय राशि है 37,500 और प्रॉफिट है 10,000। गणना करनी है PV रेशियो, स्थायी लागतें, 20,000 रुपये की बिक्री पर लाभ की राशि तथा परिवर्तनशील लागत की राशि। PV रेशियो बराबर चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स गुणा 100। तो चेंज इन प्रॉफिट यहाँ पर 5,000 है और चेंज इन सेल्स 12,500 है, तो 5,000 बटे 12,500 गुणा 100 बराबर 40%। फिक्स कॉस्ट होगा सेल्स इंटू PV रेशियो माइनस प्रॉफिट, 25,000 इंटू 40% माइनस 5,000, तो 5,000 हो गया जून के लिए फिक्स कॉस्ट, और सितंबर के लिए भी वही 37,500 इंटू 40% माइनस 10,000 बराबर 5,000 फिक्स कॉस्ट होगी। प्रॉफिट ऑन सेल्स इक्वल टू ₹20,000। प्रॉफिट बराबर सेल्स इंटू PV रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट, सेल्स 20,000 गुणा 40% माइनस 5,000, तो 3,000 रुपये प्रॉफिट होगा। वेरिएबल कॉस्ट फॉर सेल्स ऑफ ₹20,000, तो वेरिएबल कॉस्ट बराबर सेल्स इंटू 1-PV रेशियो, तो 20,000 इंटू 1-40/100, तो ये 20,000 का 60% 12,000 रुपये वेरिएबल कॉस्ट होगी। इसको दूसरी तरीके से, अल्टरनेटिव तरीके से भी वेरिएबल कॉस्ट की गणना की जा सकती है। PV रेशियो बराबर 40% है, तो वेरिएबल कॉस्ट होगी 60%, 100-40 बराबर 60% ऑफ सेल्स वेरिएबल कॉस्ट होगी। इसलिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट बराबर 20,000 गुणा 60/100 12,000। अब इसके आगे हम बात करते हैं समविच्छेद बिंदु की। तो समविच्छेद बिंदु किसे कहते हैं, इसके संबंध में कि विक्रय का वह स्तर जहाँ पर कुल विक्रय आगम तथा उत्पादित या बेचे गए माल की कुल लागत दोनों बराबर होती हैं, अर्थात नए लाभ नए हानि का बिंदु समविच्छेद बिंदु कहलाता है। इस
पॉइंट पर, इस ब्रेक इवन पॉइंट पर नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। इसके लिए जो सूत्र यूज होता है वो है बीपी इन यूनिट्स फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और यदि मूल्य में राशि में बीईपी ज्ञात करना हो तो फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। अब हम एक उदाहरण लेते हैं जिसमें उदाहरण दिया हुआ है सेल्स 12,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ रुपीज़ 10 पर यूनिट, 1,20,000, लेस वेरिएबल कॉस्ट एट द रेट ऑफ रुपीज़ 8 पर यूनिट 96,000, कंट्रीब्यूशन 24,000, लेस फिक्स्ड कॉस्ट 8,000 और नेट प्रॉफिट 16,000 है। अब यहाँ पर बीपी इन यूनिट्स हम याद करें तो फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो ये हो जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट 8,000 बटे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 10-8 2, अर्थात 8,000 बटे 2 बराबर 4,000 यूनिट्स, ये यूनिट्स में बीपी आएगा। और बीपी इन रुपीज लेना है तो फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, और पीवी रेशियो यहाँ पर है सी अपॉन एस इंटू 100। सी है सी फॉर कंट्रीब्यूशन 2 रुपये, एस सेलिंग प्राइस 10 × 100, ये 20% होगा। तो बीपी इन रुपीज़ के लिए फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो में फिक्स्ड कॉस्ट 8,000 बटे पीवी रेशियो 20%, इस प्रकार से ये 40,000 है। अब ये बीपी जो इन रुपीज़ है इसको हम टैली भी कर सकते हैं कि 40,000 रुपये सेल्स है तो उसमें से 80% वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि 20% पीवी रेशियो है इसलिए बाकी 80% वेरिएबल कॉस्ट। तो 40,000 का 80% 32,000 वेरिएबल कॉस्ट हो गया, बाकी बचा 8,000, और 8,000 फिक्स्ड कॉस्ट लेस करेंगे तो प्रॉफिट लॉस जीरो आएगा, अर्थात बीपी वही बिंदु होता है जहां पर कि नो प्रॉफिट नो लॉस बिंदु होता है। इसलिए यहां पर इस एग्जांपल में बीपी इन रुपीज 40,000 रुपये और बीपी इन यूनिट्स 4,000 यूनिट्स होगा। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।